कार में सफर करने वाले सभी लोगों को अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साइरस मिस्त्री एक्सीडेंट मामले के बाद मंगलवार 6 सितंबर को ये बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि अब सभी कारों में पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट अलार्म की सुविधा दी जाएगी। कुछ ही दिनों में इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा गडकरी ने देश में 6 एयरबैग वाली गाड़ियां लाने पर भी बात की। मंगलवार को US इंडिया बिजनेस काउंसिल के एक कार्यक्रम इंडिया आइडिया समिट में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा, साइरस के साथ हुई घटना के चलते हमने फैसला लिया है कि सभी कारों के पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी सीट बेल्ट के लिए अलार्म लगाए जाएंगे। अगले कुछ दिनों में आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में सभी नई गाड़ियों में इस फीचर को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि कारों के इस फीचर के आने के बाद पिछली सीट पर बैठने वाले यात्री सेफ्टी बेल्ट लगाना नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि कार सेंसर इस तरह लगाए जाएंगे कि अगर सीट बेल्ट का बकल बंद नहीं होगा तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। गडकरी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि अक्टूबर के बाद बनने वाली 8 सीटर कारों में कम से कम 6 एयरबैग लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि अक्सर यात्री सीट बेल्ट लगाएं तो एयरबैग ज़्यादा प्रभावी साबित होंगे। इससे पहले आज तक से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि कार कंपनियां जब दूसरे देशों में गाड़ियां एक्सपोर्ट करती हैं तब 6 एयरबैग लगाती हैं और भारत में 4 लगाकर बेचती हैं। क्या भारतीयों की जान कीमती नहीं है? बड़ी संख्या में प्रोडक्शन कर एयरबैग की कीमतें भी कम हो जाएंगी। गडकरी ने बताया कि कई लोग सिस्टम में हेरा फेरी करने के लिए बाहर से खरीदी गई क्लिप्स को बिना बेल्ट के ही अटैच कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन क्लिप्स के निर्माण और बिक्री को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरसिटी बसों में यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य करने को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। इस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर मंत्री ने कहा कि सड़क हादसे में होने वाली लगभग 35% मौतों की वजह है सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना। हमें उम्मीद है कि ऑटोमोबाइल उद्योग भी सरकार के इस कदम का स्वागत करेंगे। इसके अलावा सरकार गाड़ियों में लगने वाले हॉर्न की आवाज़ को कम और मधुर करने पर भी विचार कर रही है। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारी साथी ज्योति जोशी ने और मैं हूँ शिवानी। कैमरे के पीछे है मोहन। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। ललन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।